हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि हम लेसन वाइज चल रहे हैं, ठीक है। और आपका जो आज लेसन है वो है लेसन 7, और आज का जो लेसन का नाम है वो है प्रतिशत का अर्थ संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे अभ्यास प्रश्न जो इस सब्जेक्ट सिलेबस में दिया है और कुछ परिभाषाएं जो आपसे पूछी गई है और पूछी जा सकती है, ठीक है गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा प्रतिशत, क्योंकि जो ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको अच्छे से समझना होगा। जैसे कि चलिए मैं प्रश्न दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको अभी ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी आपका फोर्थ सेमेस्टर है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही ईजी होता है। सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में सबसे हार्ड आपको मैथ मिलने वाला है, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। लेकिन अभी तो ये फर्स्ट सेमेस्टर है तो इजी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे कैसे अभ्यास प्रश्न है, देन लेट्स सी। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये आपका अभ्यास प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं कि 40 1200 का कितना प्रतिशत है, किस संख्या में 20% का मान 50 है, 700 का 35% कितना है, 500 रुपये का 20% वही होगा जितना कि इसमें कोई जितना इसमें परसेंट आएगा उतना ही इसमें कोई ऑप्शन में होगा, 120 को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि 90 रह जाए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि और भी आपके प्रश्न हैं, देख लेते हैं एक बार प्रश्न, उसके बाद सॉल्व करें। यहाँ से आप देख सकते हो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनमें से आपको दो दो नंबर मिलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है, पॉइंट में है, दशमलव में है, उसको परसेंटेज में बदलना है। दशमलव को जो परसेंटेज है उसको दशमलव में बदलना है। तो इसका आपको आना चाहिए कि कैसे क्या क्या, जैसे कि राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 500 रहा तो राकेश को कितने अंक मिले, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है कि एक बाग में 30% पेड़ के जामुन है, ठीक है, शेष आम के हैं, यदि बाग में पेड़ों की कुल संख्या 600 हो तो आम के पेड़ों की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। प्रतिशत क्या है, अर्थ की व्याख्या कीजिए। एक साइकिल 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। चौथा पर लास्ट क्वेश्चन है कि रुपये 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना। इसमें आपको, क्योंकि आपको पता है कि साधारण ब्याज में प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज की जरूरत पड़ती है, तो ये परसेंटेज का सवाल है, इसलिए इसमें साधारण ब्याज पूछ लिया है। तो चलिए अब हम प्रश्न देख लेते हैं और सबसे पहले परसेंटेज के परिभाषा को जान लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है गाइस, देन लेट्स सी। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपका लेसन है ये है प्रतिशत का अर्थ, ठीक है, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करने के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत का क्या अर्थ है, क्योंकि आपके एग्जाम जो है इसमें परिभाषा भी पूछा जा सकता है और पूछ भी लिया जाता है। तो चलिए हम जान लेते हैं, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, ठीक है, इतना तो, परसेंटेज मतलब 100, ठीक है। और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर होता है वो 100 होता है, जैसे कि भिन्न, मान लो भिन्न लिखा जाता है तो भिन्न कैसे लिखा जाता है आपको पता है ना, ऐसे लिखा जाता है, इसे हम परसेंट के रूप में मानते हैं। तो देख सकते हो हर में 100 है तो इसे हम परसेंटेज कहते हैं। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो प्रतिशत ज्ञात करने के नियम, तो प्रतिशत ज्ञात करने के बहुत से नियम हैं जो आपको पता होना चाहिए। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत, मतलब इतने सारे टॉपिक हैं जो आपको पता होना चाहिए इसका नियम क्या है। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आपके सामने 1/4 आ जाए तो इसको प्रतिशत में हम कैसे चेंज करेंगे, 1/5 आ जाए तो इसको प्रतिशत में कैसे चेंज करें, 1/2 आ जाए तो इसका प्रतिशत में कैसे चेंज करें, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम जान लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि लिखा गया है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न की ऐसी समतुल्य भिन्न में बदलते हैं जिसका हर 100 हो,
ठीक है, ऐसे भिन्न में 1/100 के स्थान पर प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। मतलब जब आपके सामने 1/100 रहेगा तो उसको हम प्रतिशत मानते हैं, ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो अगर आपके सामने कहीं 1/100 दिख जाए तो आप उसे प्रतिशत मान लेना, ठीक है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो आप यहाँ देख सकते हो, एक एग्जाम्पल है ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि 3/5 का भिन्न में प्रतिशत में कितना परसेंट होगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना होता है, 3/5 है इंटू 100/100, ठीक है। अब जब आप 3 में 100 का गुणा करोगे, ठीक है, 3 में यहाँ से आप 100 का गुणा करोगे तो 300 प्राप्त होगा, क्योंकि हमें 100 लगाना है और प्रतिशत में चेंज करना है। तो 300/5 इंटू में 1/100, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो 300 है वो 5 से कट जाएगा, क्योंकि 5 6 30 होता है, ठीक है, और 60 आ गया, तो 60 आ गया। और इसे हम क्या बोले हैं अभी, कि हम परसेंटेज में इसको हम मान लेंगे, इसलिए हम 60 और यहाँ परसेंटेज लिख देंगे। तो 3/5 का जो होगा वो 60% हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके सामने 1/2 आ जाए, ठीक है, 1/2 आ जाए, तो इसको अगर हम चेंज करें प्रतिशत में तो कैसे करोगे। सिंपल कुछ नहीं करना है, जैसे नियम है वैसे ही आप फॉलो करो, आपका आंसर 100% आएगा, ठीक है। तो जैसे कि 1/2 है तो इंटू का 100 100 करेंगे, ठीक है, 100 100 करेंगे। तो उसके बाद का नियम ये है कि 100, ठीक है, 100 उसके बाद 2 इंटू 1/100, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो कि 2 5 10 ये कट जाएगा, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपका 50% हो जाएगा। तो इस तरह 1/2। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि दूसरा आपका है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है। कहीं आपको 20% मिल जाए, तो अगर पूछ दे कि इसको भिन्न में चेंज कीजिए, 50% दिख जाए तो उसको भिन्न में, 25% 13% दिख जाए, 16%, तो उसको भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है, इसमें ये बताया गया है नियम क्या है। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि नियम ये होता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत की संख्या में प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर 1/100 से गुणा करके सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो जो प्रतिशत के स्थान पर हम 1/100 लिख कर और गुणा कर लेते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके सामने 20% है। तो अब हम 20% को कैसे भिन्न में चेंज करें, तो इसका नियम ये होता है कि जैसे कि आपके सामने मान लो 20 है, तो जैसे आप 20, और उसमें कहा गया है कि जो चिन्ह है उसके स्थान पर हम 1/100 कर लेते हैं और उसके बाद गुणा कर लेते हैं, मतलब काट लेते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 20 25 100 कट जाएगा और 1/5, तो 20% का जो भिन्न होता है 1/5 होता है। उसी तरह 25% है, तो 25% का सेम प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है, 25% इंटू 1/100, 25 चौका 100 होता है, तो इसलिए 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने का यही नियम है, तो आप प्रैक्टिस करो, आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। इसी के आधार पर सेम वही प्रोसेस होना चाहिए और वो आ जाएगा। अगला आपका है दशमलव को प्रतिशत में बदलना। तो दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए हम देख लेते हैं क्या इसमें रूल नियम है। तो दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए दशमलव को 2 स्थान दाई ओर खिसकाते हैं और संख्या को प्रतिशत के चिन्ह में के साथ लिख देते हैं। तो दशमलव को प्रतिशत में लिखना या प्रतिशत में बदलना, तो अगर कोई आपको दशमलव मिल जाए, मतलब दशमलव वाली संख्या मिल जाए और उसको प्रतिशत में चेंज करना हो, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल जो दशमलव होता है उसको दाई ओर 2 स्थान खिसका देते हैं, ठीक है, और वैसे ही चेंज कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 0.25 को प्रतिशत में बदलना है, तो 0.25 को प्रतिशत में बदलना है, तो इसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, 0.25, और जैसे हमने हल किया है तो हम 100/100 करेंगे, ठीक है, 100/100 करेंगे, और उसके बाद जैसे कि हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो आप 0.25 इंटू 100 में गुणा करोगे, ठीक है, अब आपको गुणा तो आता ही होगा, तो सिंपल कुछ नहीं करना होता है गुणा करने में। जैसे कि आपके सामने 0.25 100 है, तो चलिए मैं गुणा करना बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं आता होगा, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हो 0.25 में हम सबसे पहले गुणा करेंगे, तो जैसे हम गुणा करते हैं 100 में, और उसके बाद हम यहाँ दशमलव नहीं लिखते हैं, ठीक है, सिंपल हम 25 लिखेंगे और उसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ सिंपल दिख रहा है कि अगर आप गुणा करोगे तो आपके सामने 2500 आएगा, ठीक है, 2500 आएगा। अब हम देखेंगे कि कितने स्थान पर आपका मतलब दशमलव लगा है। तो मान लो आपका 0.25 था, तो इधर से हम दाई की तरफ से गिनेंगे तो 1 2, तो 2 स्थान पर है, तो जितना हमारा आंसर है उसके बाद हम गिनकर
पॉइंट वहां पे लगा देंगे, तो 1 2, तो हमारा जो आंसर आएगा 2.25 × 0.0, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीरो का कोई महत्व नहीं होता, अगर कोई एक अंक हो तो महत्व मान लेता है, तो फिर हम जीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हो 1/100 है, तो 1/100 का मान ही परसेंट होता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है, तो देखिए एक और आपका प्रश्न है कि 25% को भिन्न में बदलिए। तो अभी जैसे कि मैंने बताया, सेम वही प्रोसेस है कि 25% को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो 25% को भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले तो हम 25 को लिख लेते हैं, और परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है। 1/100 करके और इंटू कर लेंगे, तो 25 × 1/100, 25 × 100 और 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आप बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हो। अब आपके सामने 50%, तो 50% अभी जैसे मैंने बताया कि 50% को भिन्न में बदलिए, तो 50 है और परसेंट का 1/100 इंटू करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हो कि 2 से 50 × 100 हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो 50% को दशमलव में बदलिए, ठीक है। तो ये है जो आपका, ये थोड़ा अलग है कि 50% को दशमलव, अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि दशमलव है कोई अंक, आपने पढ़ा था 0.25, तो इसको परसेंट में बदलना था। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि मान लो आपके पास 50% है, इसको आपको दशमलव में बदलना है, ठीक है। तो इसको बदलने का नियम यही है कि आप सिंपल कुछ मत करो, आप जो 50 है उसमें 100 का भाग दे दो। अगर आप 100 का भाग दो तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमारा भाज्य है वो कम है, तो हम एक जीरो लेंगे, और जब जीरो लेंगे तो यहाँ 0 पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम जीरो नहीं लेते हैं, तो जब हम जीरो लेंगे तो हाँ फिर कट जाएगा 100 × 5, 500, ठीक है। तो 0.5 आपका आंसर आ जाएगा और ये दशमलव में चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने आपके सामने ये लगाया है, सेम ऐसे ही लगाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हो कि अब आपका अभ्यास प्रश्न शुरू हो गया है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि 40, ठीक है, 40 1200 का कितना प्रतिशत है। तो जो 1200 है इसमें से ये 40 है वो कितना प्रतिशत होगा, सिंपल यही क्वेश्चन है। और ये ऐसा प्रश्न आपके किसी भी कंपटीशन या हो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही इजी, अगर आप अच्छे से समझोगे तो ये आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने बहुत ही विस्तार से आपको लगा कर समझाया, क्योंकि अगर आपका पेपर है DLED का तो उसमें आपको विस्तार से समझाना होगा, क्योंकि आपको छोटे से बच्चों को पढ़ाना होता है, तो आपको तो आता है लेकिन छोटे से बच्चों को नहीं आता है, तो इसलिए आप विस्तार से कि कैसे उन्हें समझ में आ जाए आसान से आसान भाषा में, इसलिए आप विस्तार से लगाओगे, ठीक है। और कॉपी में भी विस्तार से, लेकिन जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें विस्तार से नहीं लगाया जाता है, उसमें जो सही होता है वही टिक कर दिया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि 40 1200 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो 40 1200 का कितना परसेंट है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 1200 का, तो अगर आप आसानी तरीके से लगाना चाहते हो तो आप सिंपल कुछ नहीं करना है, 40 लिखो, ठीक है, 40 लिखो, 40 लिखो, और उसके बाद इंटू 100, ठीक है, क्योंकि हम 100 से करेंगे, और उसके बाद हम नीचे जितना अंक है 1200 लिखेंगे, 1200 लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, फिर हम 4 से काटेंगे, तो 4 3 12 और 4 10 में 40, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 10/3, ठीक है, 10/3 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि आपके ऑप्शन में 3 है, 2 से 1/3 है, 3 से 1/3 है और 6 है, तो ये कैसे किया है, तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो तीसरा है ये मिश्र भिन्न है, ठीक है, इसे मिश्र भिन्न बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 3 3 9 और 1 प्लस करेंगे तो 10/3 हो जाएगा, तो आपका यही करेक्ट आंसर है। लेकिन आप विस्तार से अगर समझना चाहते हो तो आप यहाँ देख सकते हो, विस्तार से लगाना चाहते हो तो 1200 का पूरा मान होगा 100, ठीक है, क्योंकि 1200 का अगर परसेंट करेंगे तो पूरा 100% हो जाएगा। अब ये 40% का केवल पूछ रहा है, तो 1 का मान अगर 100 1200 है तो 40 का मान, तो 40 का तो 40 × 100 और 1200, तो जैसे मैंने काटा वैसे ही काट कर और 10/3 और यहाँ मिश्रित भिन्न में कर लेना है, ठीक है गाइस। तो अब नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट आपका प्रश्न ये है कि किस संख्या में 20% का मान 50 है।
तो इसमें से आपके पास ऑप्शन है 120, 200, 150, 250, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो 20% पूछा है। तो जब 20% होता है तो सिंपल कुछ नहीं करना होता है, आप चाहो तो 20 या ऐसे भी लिख सकते हो, 20 और हम काटेंगे तो 20 25 100, तो हमें 5 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ 50 है तो 50 में 5 का गुणा करेंगे तो हमें 250 प्राप्त हो जाएगा, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 250, ठीक है। पहले आप परसेंटेज को काट लो, उसके बाद 50 में गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, तो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि 700 का 35 कितने प्रतिशत है, ठीक है। 700 का 35 कितने प्रतिशत है, तो बहुत ही ईजी है 700 का 35% निकालना। तो जैसे कि 700 और उसमें से जैसे ऊपर वाला प्रश्न था वैसे ही सेम प्रोसेस है। तो 700 का 35% निकालना है तो हम सबसे पहले 35 लिखेंगे, ठीक है, और इंटू 100 करेंगे। इंटू 100 करने के बाद हम जो 700 है जितना वो और 0 से 0 कट जाएगा और 7 5 35, तो इसलिए हमारा 5 आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने काटा है, ठीक है, कि सबसे पहले हम 35 लिखेंगे और पूरा पूर्णांक कितना होगा 100, ठीक है, और नीचे जितना अंक है 700, फिर हम 0 से 0 काट देंगे और 7 5 35, तो इसलिए आपका 5% होगा। 700 का 35 कितना होगा, तो 5% होगा। अगला आपका प्रश्न ये है कि 500 रुपये का 20% वही होगा जितना कि, तो जैसे कि आपके आप ऑप्शन है, मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप 500 का 20% निकालोगे तो उतना ही आएगा। तो इन चारों में से वही जितना 500 का 20% आया है उसमें से कोई ऐसा है जिसमें सेम समान उतना ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 500 का 20% निकालेंगे, तो 500 का जब का होता है तो का को क्या कहते हैं, इंटू, तो हम इंटू करेंगे, 500 इंटू 20% बोला है तो 20% और परसेंट का नीचे 100 रखेंगे, ठीक है, और काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 दूनी 100, तो इसलिए जो आपका 20% है वो 100 रुपये होगा। अब हम यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन में ये तो होगा नहीं, थोड़ा ट्रिक भी लगाते हैं, 703 ये तो होगा नहीं, 100 ये भी नहीं हुआ, थोड़ा बी लग रहा है, तो हम इसको काटेंगे। और वैसे भी 12 से 1/2 होता है 16%। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि आपके सामने लगा है कि 800 इंटू 12 1/%, तो जब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 0 से 0 जब कट होगा तो आप ये मिश्रित भिन्न में है, 12 सही 1/2%। तो अगर आप 12, ये मिश्रित भिन्न आपको आता होगा तो चलिए मैं बता देती हूँ इसे हम कैसे 25/2 लाएं, तो 12, ठीक है, 1/2, तो इसमें क्या कहते हैं कि 12 और 2 में गुणा करते हैं, तो 12 दूनी 24 और यहाँ प्लस कर देते हैं, तो 12 24 हुआ प्लस 25, तो 25/2, ठीक है, 25/2 आ गया। तो उसके बाद का नियम ये होता है कि जो सबसे 2 को हम नीचे कर देते हैं और 100 को ऊपर कर देते हैं और इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो 800 इंटू 25 और 100, तो फिर हम 100 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें 200 प्राप्त होगा और उसके बाद हम काट देंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि, चलिए मैं काट के बता देती हूँ, ठीक है, 800, ठीक है, 800 इंटू 25 25 होगा और 100 में 2 का गुणा करोगे तो 200 होगा, ठीक है, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 चौका 8 और 2 चौको 8 हो जाएगा और 25 चौको 100 इंटू करोगे तो, इसलिए तो देख सकते हो कि ये भी इसका मान 100 आ गया। तो आपको सिंपल ऐसे ही लगाना है, कुछ बहुत ही इजी आएगा आपका जो प्रश्न, बस आपको इसी के आधार पर बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करने होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही अंक आएंगे, इससे डिफरेंट अंक आएंगे, लेकिन बहुत ही ईजी पूछे जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा इसी के आधार पर, जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि लिखा गया है कि दशमलव में बदलिए, ठीक है, दशमलव में बदलिए। तो सबसे पहला है आपको 45% को दशमलव में बदलना है, 24.5 को दशमलव में बदलना है, 75% को दशमलव में बदलना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, सिंपल आपको जितने भी अंक है 100 से भाग दे देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई अंक दशमलव में है उसको प्रतिशत में बदलिए, मतलब प्रतिशत में है और उसको दशमलव में बदलिए, तो आपको 100 से भाग देना होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि 45 है, ठीक है, जैसे कि मान लो, चलिए मैं बता देती हूँ कि 1 मिनट, 45 है, तो इसके लिए नियम ये होता है कि हम 45 में 100 का भाग देंगे। तो जब 100 का आप भाग दोगे तो आप यहाँ देख सकते हो जो हमारा भाज्य है वो कम है, तो हम 0 लेंगे और जैसे ही 0 लेंगे तो एक 0 और पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। 100 में 4 बार जाएगा तो हम 400 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, फिर हम माइनस करेंगे तो 0 होगा,
फाइव होगा, चार से चार कट जाएगा, फिर हम जीरो लेंगे उसके बाद कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा 0.45। ठीक है, नेक्स्ट आपका है और दूसरा है 24.5। तो 24.5 में हम भाग देंगे। ठीक है, तो 24.5 में हम जब आप भाग दोगे तो यहाँ से आपका 100 होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, तो आप यहाँ देख सकते हो, तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट लिखेंगे और 245 है। ठीक है, तो 100 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 200 लिखेंगे। ठीक है, तो 2, उसके बाद 5, 4 और 2, 2 से 2 कट जाएगा, फिर 400, तो 400 यहाँ से देखिए मैं छोटा छोटा लिखती हूँ। ठीक है, तो हमारा जो अंक है वो है 2.45। अब हम भाग देंगे 100 का, तो फिर जाएगा 2 बार में, और यहाँ पॉइंट पहले ही लगा देंगे, तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, 2 बार में जाएगा और फिर 5 होगा। ठीक है, 5 होगा, फिर पॉइंट 4 और ये कट जाएगा, फिर हम जीरो लेंगे और फिर 4 मर्थ में जाएगा 400। अब उसके बाद का जब उसके बाद फिर 0 और तो 50 आएगा, फिर 50 आएगा तो फिर हम लेंगे, उसके बाद कट जाएगा, तो ये आप 245 इसका आंसर आएगा, 0.245। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है 70.5% को दशमलव में बदलिए। तो इसको लगाने के लिए सिंपल वही आपको भाग दे देना है, तो जैसे कि आप देख सकते हो 70.5, तो हम 100 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो 100 एकम 100, और सबसे पहले आप पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, और जब पॉइंट लिख लेंगे उसके बाद 5 होगा, 7 होगा और ये कट जाएगा, फिर हम जीरो लेंगे तो 7 मर्थ में जाएगा। ठीक है, 7 मर्थ में जाएगा, फिर 50, तो उसके बाद तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जब 7 बार में जाएगा मतलब 100 एकम 100, तो आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.175 इसका, या भाग देकर देखना उतना ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में पाए हैं। ठीक है, यदि पूर्णांक 500 रहा है तो राकेश ने कितने अंक पाए हैं? तो आपको सबसे पहले ये प्रश्न समझना होगा कि मान लो कोई स्टूडेंट है और उसका 65% उसने उस एग्जाम में पाया है और पूर्णांक 500 है, तो उस 500 में से उसने कितने अंक उसको मिले हैं, बस आपको यही इसमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के तरीके बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको देखिए जैसे कि आप विस्तार से लगाओगे तो 500 पूर्णांक है और प्राप्तांक है वो 60% है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पूर्णांक रहता है वो ऊपर लिखेंगे। ठीक है, पूर्णांक ऊपर लिखेंगे इंटू 65 और परसेंट हटेगा तो नीचे चला जाएगा, और जब हम इसको काटेंगे तो 100 से मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 65 या 5 का गुणा करोगे तो आपको 325 मिल जाएगा। जब अगर आपको अगर मान लो आपका हाई स्कूल में आपको परसेंटेज मालूम है, ठीक है, अंक आपको नहीं मालूम है और आप पूर्णांक के हिसाब से निकालोगे तो बहुत ही आसानी से, मान लो 82.5 है। ठीक है, 82.5 है और मतलब कोई स्टूडेंट है वो 82% पाया है और जो पूर्णांक है वो 600, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो सिंपल आपको 600 लिखना है, 600 इंटू 82 और अपान में 100। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा और 82 में आप जैसे ही गुणा करोगे तो आप देख सकते हो कि 6 दिन, 6 का 6, 6 दिन 12, तो आप यहाँ 2 लिखोगे। ठीक है, और हासिल हमारा 1 है, फिर 8 6 48 और 49, तो आप यहाँ देख सकते हो कि 492 उसने नंबर पाया है। अगर कोई स्टूडेंट 82% मार्क्स पाया है और उसका पूर्णांक 600 है तो उसका जो मतलब अंक में मिला है वो 492 मिला है। तो ऐसे ही निकालते हैं, बहुत ही ईजी है, अगर आपके भी मार्क्स में निकालना चाहते हो तो आप सिंपल निकाल सकते हो ऐसे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में ये पूछा गया है कि एक बाग में 30% पेड़ जामुन के हैं, ठीक है, और शेष आम के हैं। यदि बाग में पेड़ों की कुल संख्या 600 है तो
तो आम की पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार प्रश्न समझ लोगे तो ये आपको आ जाएगा। जैसे कि आप बोल रहा है कि 30% जामुन के पेड़ है, तो सबसे पहले हम 30% को, जैसे कि वो वाला सवाल, पहले वाला सवाल था कि राकेश ने 65% मार्क्स प्राप्त किए और कुल जो पूर्णांक था वो था 500, तो वैसे ये है कि बाग में कुल जामुन के 30% है और जो पेड़ों की संख्या है वो 600, तो आम की कुल संख्या कितनी है? तो आप यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहले हम 600 लिखेंगे, 30 और नीचे 100, तो और काटेंगे तो 180 आ गया। तो ये हमें पता चल गया कि जो जामुन का पेड़ है वो 180 है, और जब हमें ये पता चल गया तो हम 600 में से 180 माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, और वो आएगा 420। ठीक है, आप करके देख लेना, उतना ही आएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि प्रतिशत का क्या अर्थ है? तो हमने यही बोला था, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, ठीक है, 1/100 को ही हम प्रतिशत बोलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि एक साइकिल को 1800 बेचने पर 10% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य क्या? तो सिंपल, सबसे पहले तो आप 1800 को बेचने पर 10% की हानि हुई है, तो सबसे पहले उसको निकालो, जैसे हमने पहले किया, तो 1800 आप यहाँ देख सकते हो मैंने लगाया, 1800 × 10/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 18 में 10 का गुणा करोगे तो आपको 180 रुपए की हानि हुई है। अब 180 रुपए की हानि हुई है तो हम, जब हमें पता है कि 1800 में बेचा है और 180 रुपए की हानि हुई है, तो हम उनको जोड़ जोड़ कर और क्रय मूल्य निकाल देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 1980 आ जाएगा। इसके आधार पर आप बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कि ₹500 का 3 वर्ष 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसके लिए साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। साधारण ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय बाई 100। तो हमको पता है कि हमारा मूलधन, जो मूलधन है वो 500 है, हमारा जो दर है वो 12% है और समय 3 वर्ष है। तो कुछ नहीं करना है, बस हमें 500 × 12 × 3 और बाई 100। अब हम काटेंगे, 00 से 00 कट जाएगा, 12 × 25 = 60, और 6 में 3, मान लो 60 में 3 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 180 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो लेसन 7 है ये आज समाप्त हो गया। प्रतिशत प्रतिशत के क्वेश्चन हम और भी सॉल्व करेंगे, लेकिन हम अभी लेसन वाइज चल रहे हैं, तो इसलिए हम अभी नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर से सिलेबस को दोहराएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जो आपका लेसन है बस वो 11 तक ही है, और जो आपका पार्ट बचा है, जैसे कि हमने 7 कर दिया, 8, 9, 12, ओनली अब 4 ही लेसन बचे हैं, तो हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समय अगर बचेगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चन और रिपीटेड करेंगे और बहुत ही आसानी से ट्रिक से समझेंगे। तो जितने भी नोट्स हैं मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन होकर टेलीग्राम से नोट्स को डाउनलोड करके और प्राप्त कर और इसे नोट्स बना सकते हो, और अपने फ्रेंड्स मित्र को भी शेयर करो अगर वो डीएलएड कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल से आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है, कोई भी ऐसी मतलब हानिकारक नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।